finite set. A set A is said to be a finite set if A is equivalent to 1, 2, 3, up to so on n for some n belong to natural number. अगर कोई भी सेट इस सेट के इक्विवेलेंट होगा तो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे. नेक्स्ट है डी न्यूमरेबल सेट. अ सेट ए इज सेट टू बी अ डी न्यूमरेबल इफ ए इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर सेट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है तो फिर वो डी न्यूमरेबल कहलाएगा. नेक्स्ट काउंटेबल सेट. A set A is said to be countable if either A is finite or A is denumerable. यानि अगर A finite है तो वो countable set होगा और अगर A denumerable है तो वो countable set कहलाएगा. Infinite set. A set A is said to be an infinite if A is equivalent to a proper subset of itself. अगर कोई set अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाता है तो फिर वो सेट इनफाइनाइट कहलाएगा. लेट कर लें ए वन प्रॉपर सबसेट है ए का और सेट ए ए वन के इक्विवेलेंट हो जाए तो फिर हम सेट ए को इनफाइनाइट सेट कहेंगे. थ्योरम है एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज डीन्यूमरेबल. यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, शो करना है कि ये सेट डीन्यूमरेबल है. तो डीन्यूमरेबल शो करने के लिए हम ये शो करेंगे कि ये जो इनफाइनाइट सीक्वेंस का सेट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है. तो ये हमने एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ले लिया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सो ऑन. बी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट और ये सेट एक्स आ गया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सो ऑन. अब प्रूव करना है कि x denumerable है तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे x to n पे. सेट x से n पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे f of xn equal to n. तो देखें ये जो x है इसके एलिमेंट इस तरह के हैं x1, x2, x3. तो इसके एलिमेंट हमने ऐसे x n की फॉर्म में ले लिए और ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसके एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3. तो इसके लिए हमने ये समाल n ले लिया. ये एक्स एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स को यानी इसको और ये एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को. अब इन दोनों सेट को हमने इक्विवेलेंट शो करना है तो हम प्रूव करेंगे ये जो मैपिंग हमने ली है एफ ये बाइजेक्टिव है. तो इसको वन वन और ऑन टू प्रूव करना है. लेट कर लें एक्स एम एक्स एन बिलोंग कर रहे सेट एक्स को एफ ऑफ एक्स एम इक्वल ले लिया एफ ऑफ एक्स एन के. तो देखें एफ ऑफ एक्स एन है तो इसलिए f ऑफ एक्स एन एन आ जाएगा और f ऑफ एक्स एम ये हमारे पास m आ जाएगा. तो m इक्वल टू n हमने इन दोनों को इक्वल लिया और प्रूव कर दिया कि m इक्वल टू n है. अब m इक्वल टू n मीन x ऑफ m इक्वल है x ऑफ n के यानी एक्स एम इक्वल टू एक्स एन. देयर फॉर एफ इज वन वन फंक्शन. अब ऑन टू शो करना है तो लेट कर लें n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एक्स एन बिलोंग कर रहा है x को एंड f ऑफ एक्स एन इक्वल टू n है. अब हर n के लिए जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है इसके लिए हमें एक एक्स एन सेट x का मिलेगा सच डैट f ऑफ एक्स एन इक्वल टू n आएगा. यानी हर नेचुरल नंबर के लिए हमें x का एक एक्स एन लाजमी एलिमेंट मिल जाएगा जिसके लिए f ऑफ एक्स एन इक्वल टू n है. तो देयर फॉर एफ इज ऑन टू f बाइजेक्टिव भी है तो इसलिए x इक्विवेलेंट हो गया n के. तो x जो है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है इसलिए ये सेट x डीन्यूमरेबल कहलाएगा. नेक्स्ट थ्योरम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डीन्यूमरेबल. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है 1, 2, 3. अब हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डीन्यूमरेबल प्रूव करना है तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एन इक्वल टू एन. तो शो कर देंगे ये मैपिंग बाइजेक्टिव है तो ये सेट एन के इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये सेट एन के इक्विवेलेंट होगा तो ये डीन्यूमरेबल हो जाएगा बाई डेफिनेशन.
अब फंक्शन को वन वन प्रूव करना है, लेट कर लें एन एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एम, तो एफ ऑफ एन एन है तो एफ ऑफ एन की जगह एन आ जाएगा, तो एफ ऑफ एम की जगह एम आ जाएगा, तो देखें एन इक्वल टू एम आ गया, तो एफ वन टू वन होगा। एफ को ऑन टू प्रूव करना है, एन बिलोंग कर रहा है सेट एन को, देन एन बिलोंग टू एन, जो हमने एक फंक्शन लिया था वो एन टू एन है, तो लेट कर लें इसको एन बिलोंग कर रहा है, इसके लिए हमें इसमें से भी एक एन मिल जाएगा, सच डैट एफ ऑफ एन इक्वल टू एन आ जाएगा, ठीक है, यानी इसके एन हर एक एन के लिए इसमें भी एन मौजूद है, सच डैट एफ ऑफ एन इक्वल टू एन आएगा, सो फंक्शन इज ऑन टू, तो ये वन वन भी ऑन टू भी हो गया, तो ये बाइजेक्टिव होगा, तो सेट एन, सेट एन के इक्वलेंट हो गया, ये सेट एन नेचुरल नंबर के इक्वलेंट है, इसलिए ये डीन्यूमरेबल कहलाएगा। इस थ्योरम में शो कर रहे हैं सेट जेड ऑफ इंटीजर इज डीन्यूमरेबल, यानी सेट ऑफ इंटीजर भी डीन्यूमरेबल है। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है एन टू इंटीजर पे, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इंटीजर पे, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन बाई टू इफ एन इज इवन, और माइनस एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब देखें जब हम नेचुरल नंबर ऑड लेंगे, वन थ्री फाइव, इनके इमेज देखें कैसे आएंगे। अब एन ऑड के लिए ये है इमेज, तो ये आएगा माइनस वन प्लस वन ओवर टू, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, तो देखें वन का इमेज ज़ीरो है। फिर हम थ्री लेंगे, माइनस थ्री प्लस वन ओवर टू, तो ये आ जाएगा माइनस टू बाई टू माइनस वन, तो थ्री का इमेज ये माइनस वन आ जाएगा। फिर फाइव लें तो ये आ जाएगा माइनस फाइव प्लस वन बाई टू माइनस फोर बाई टू, तो माइनस टू, यानी ये जो हमारे पास ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर हैं ये इमेज हैं ऑड नेचुरल नंबर का। ऐसे ही अब हम इवन के लिए चेक करें, इवन के लिए जो इमेज है वो ये है एन बाई टू, जब हम एन टू लेंगे तो ये टू बाई टू वन, तो इसका आंसर वन आ गया, इसका इमेज वन है। फिर फोर लें, फोर बाई टू टू, तो फोर का इमेज टू। सिक्स ले लें, सिक्स बाई टू थ्री, तो सिक्स का इमेज थ्री है, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर हैं ये इमेज है इवन नेचुरल नंबर का, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर का इमेज है ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर, और इवन नेचुरल नंबर का इमेज है पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तो उसके लिए हम इसे वन वन और ऑन टू प्रूव करेंगे। अब एफ को वन वन प्रूव करने लेट कर लें एम एन बिलोंग कर रहा है एन का, सच डैट एफ ऑफ एम इक्वल टू एफ ऑफ एन। अब यहाँ पे तीन दो केस बनेंगे। पहला केस है कि लेट कर लें ये एम एन इवन है। अब देखें अगर एम और एन इवन है तो एफ ऑफ एन इक्वल आएगा एन बाई टू के इफ एन इज इवन, तो एफ ऑफ एम आ जाएगा एम बाई टू और एफ ऑफ एन आएगा एन बाई टू, ये टू से टू कैंसिल, तो एम इक्वल टू एन आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि f वन वन है इफ m और n इवन हो। अब सेकेंड केस है, सेकेंड केस में हमने लेट किया कि m और n ऑड हैं दोनों, तो देखें अगर n ऑड है तो फिर f ऑफ n इक्वल आएगा माइनस एन प्लस वन बाई टू, तो f ऑफ m आ जाएगा माइनस एम प्लस वन बाई टू, f ऑफ n माइनस एन प्लस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, ये आ जाएगा वन कैंसिल कर दें, माइनस एम इक्वल टू माइनस एन, तो implies m इक्वल टू n। नेक्स्ट केस थ्री है कि m और n में से एक इवन है एक ऑड है, यानी फ़र्ज़ कर लें m इवन और n ऑड है, तो फिर देखें f ऑफ m को f ऑफ n के इक्वल लें तो m बाई टू इक्वल माइनस एन प्लस वन बाई टू के इक्वल आएगा, तो m इक्वल टू माइनस एन प्लस वन, यानी m प्लस n इक्वल टू वन। अच्छा ये इम्पॉसिबल केस है। अब इसमें देखें हमने एक इवन लिया है एक ऑड लिया है, फ़र्ज़ कर लें हम m2 ले लेते हैं, तो देखें f ऑफ 2 हमारे पास 2 आएगा और f ऑफ 3 हमने ऑड लिया तो f ऑफ 3 हमारे पास माइनस टू है। अब देखें f ऑफ 2 नॉट इक्वल टू f ऑफ 3,
और ये जो 2 है ये भी नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये फंक्शन 1-1 कहलाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं इन ऑल पॉसिबल केसेस एफ ऑफ एम इक्वल टू एफ ऑफ एन इम्प्लाइज एम इक्वल टू एन। इस केस में ये इक्वल नहीं था, तो अगर एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल है एफ ऑफ 3 के, तो हमारे पास ये 2 भी 3 के इक्वल नहीं है। तो इक्वल वाले केसेस में ये 1-1 कहलाएगा और इसमें भी ये 1-1 है। नेक्स्ट हमने इसको ऑन टू प्रूव करना है। लेट कर लें एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर को, और केस 1 है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इट्स मीन 2x भी ग्रेटर देन 0 होगा, और ये 2x बिलोंग कर रहा है n को, ठीक है। और 2x इवन नंबर है, इसलिए f ऑफ 2x इक्वल टू आ जाएगा 2x by 2 इक्वल टू x। अब केस 2 है, इसमें हमने x को नेगेटिव ले लिया, तो माइनस 2x जो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हम 1 इसमें ऐड कर लें दोनों साइडों पे, तो 1 माइनस 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो देखें अब ये 1 से ग्रेटर हो गया, इसलिए ग्रेटर आर इक्वल हो गया, इसलिए ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और ये ऑड नंबर है। इस सूरत में हमारे पास f ऑफ 1 माइनस 2x इक्वल टू x आ गया। सो फॉर ईच x बिलोंग टू z इज इमेज ऑफ f ऑफ सम एलिमेंट ऑफ n, तो f इज ऑन टू। यानी x का, अगर हम x ग्रेटर देन 0 लें तो वो भी हमारे पास किसी ना किसी नेचुरल नंबर का इमेज बनेगा। अगर हम x लेस देन 0 लें वो भी हमारे पास किसी ना किसी नेचुरल नंबर का इमेज बनेगा। तो कहते हैं फॉर ईच x बिलोंग टू इंटीजर, यानी हर इंटीजर अंडर f किसी ना किसी नेचुरल नंबर का इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन f ऑन टू होगा। ये बाइजेक्टिव भी है, इसलिए ये n इक्विवेलेंट हो गया z के। तो अगर n इक्विवेलेंट है z के या z इक्विवेलेंट है n के, तो देयरफॉर z इज़ डी न्यूमर एबल।